तो डेढ़ दिन लगता है। हमारे यहाँ चाहे आपका मामला हो चाहे हमारे यहाँ, सबका एक जैसे है। न पढ़ाई की व्यवस्था, न दवाई की व्यवस्था। पढ़ाई के लिए हमारे बच्चों को जाना पड़ता है इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, यहाँ कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं। दवाई की व्यवस्था नहीं, दवाई कराने जाना है तो नागपुर मंडी है, चाहे छट्टी के लोग हों चाहे बरही के लोग हों, सीधे नागपुर जाते हैं। जब दवाई की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, तो हर हाल में राज्य बड़ा हो चुका है। एक मुख्यमंत्री इस प्रदेश को अब न पूरी तरह देख पाता, न वहां का काम कर पाता। ऐसी स्थिति में छोटे राज्य बनना चाहिए और राज्य की बात इस विद्रोह बरहीन से भी हर हाल में उठना चाहिए, चाहे वहां को संक्रांत की बात हो, संघ की परिकल्पनाओं पर की बात हो। मेरा निवेदन है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का MLA हूं, कोई भारतीय जनता पार्टी से आज हिंदुस्तान में जिसको राजनीति करना है, सिर्फ राजनीति जिसका धंधा हो, वो कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। पर जो मैहर के लोगों ने चार चार बार मुझे विधायक बनाया, अलग अलग दल से तीन बार बना दिया। मेरा उद्देश्य मैहर का विकास, मेरा उद्देश्य बिंद का विकास, और मेरा उद्देश्य मैं किसी भी तरह गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी कोई सरकार मेरा कुछ कर नहीं सकती, धंधा व्यापार की मैं राजनीति करता नहीं हूँ कि सरकार मुझे झुका दे, ये सरकार मुझे कमजोर कर दे। मैं जिस अभियान में अब लगा हूँ, मेरा अभियान है कि बिंद का पुनर्निर्माण हो, संघ की परिकल्पना को हम प्रणाम करते हैं, महाकौशल का निर्माण भी होगा तब भी राजधानी रीवा बनेगी। महाकौशल प्रांत बनेगा तो हाईकोर्ट जबलपुर में है, तकनीकी मामला हो चाहे रीति रिवाज रस्म परंपराएं हो चाहे संवैधानिक मामला हो, जहां राजधानी होती है वहां हाईकोर्ट नहीं होता, जहां हाईकोर्ट होता है वहां राजधानी नहीं होती। हम तो किसी भी विषय में आगे बात करना चाहते हैं, समय कम है, फिर कभी आएंगे जाएंगे मिलेंगे बात करेंगे, पर ये बात आज जरूरी है कि छोटे राज्य बनेंगे तभी राज्य का विकास होगा। छोटे राज्य जितने बने उनका विकास हुआ। वही छत्तीसगढ़ को देख ले, झारखंड को देख ले, उत्तराखंड को देख ले, तेलंगाना को देख ले, अभी चार छह साल के अंदर कई स्टेट बनना है। हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमारा भी स्टेट बन, तमाम यंग यूथ खड़े। मोदी जी कहते हैं खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब, कई स्टेडियम है खेलने कूदने के, हर स्टेडियम। दवाई की व्यवस्था है, पढ़ाई की व्यवस्था है, या कब तक नाटक नौटंकी चलेगी? अब इससे नहीं चलने वाला ये प्रदेश, नौटंकियों से और लोग ऊब चुके हैं।